गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे। आई एम ऑल इन पीस और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 9 o'clock हो रहे हैं और ये बोलता है आज मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ क्योंकि और कल ना मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया था अपना नाम क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी हालत नहीं कल थी। कल तो ज़रा व्लॉग बनाने की मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, आंखें जलन हो रही थी और अंदर से गर्मी बाहर से सर्दी हो गई थी और हल्की सी पानी में लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इसकी वजह से आज स्कूल नहीं गया मैं। और डॉक्टर के पास जाएंगे आज चेक कराने, तो डॉक्टर के पास हम जाएंगे ना, फिर वो आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं, फिर डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे। और गाइस आज तो थोड़ा ठीक लग रहा है, पिछले 2 days के मुकाबले शायद पानी की कमी भी हो गई थी, फिर मम्मा ने कल पानी वगैरह पिलाया था काफ़ी ज़्यादा और फिर आज भी सुबह मैंने 2 glass पिए। तो वैसे तो मैं हर रोज़ पीता हूँ पर दिन के टाइम पिछले 2-3 days में तो मन ही नहीं कर रहा था ठंडा पानी पीने का और पानी पीने का, बड़े ज़्यादा ठंड लग रही थी नहीं तो। तो अरे बॉल अटक गई। तो वैसे फिर आज मैं स्कूल भी नहीं गया ना, फिर कल जाएंगे, आज तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, फिर डॉक्टर क्या बोलते देखते हैं, फिर आपसे बाद में मिलता हूँ मैं जब जाएंगे। अगर आपको मैं वहाँ का दिखा पाऊँगा तो दिखा दूँगा, अगर नहीं दिखा पाया तो देखते फिर मैं क्या होता है, फिर आज शाम को भी क्या होगा। फिर मेरे को तो आज काम वगैरह भी करना है, होमवर्क वगैरह, थोड़ा रात को ही प्लान बना कि नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। वैसे तो जाने वाला था मैं स्कूल, रात को प्लान बना था मतलब कि स्कूल नहीं जाएंगे, वैसे तो मैं जाने वाला था मतलब, पर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, एक तो सोया भी मैं बड़ी मुश्किल से, सो ही नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी और अजीब सा लग रहा था और मेरे पैर में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल गया अब। तो फिर देखते क्या होता है, बाद में जाएंगे हम तो आपको दिखा पाऊँगा कि थोड़ा बहुत ऐसे दिखा दूँगा, फिर बाय। जैसे अभी शाम का टाइम हो गया है और क्या बोलते हैं, हम लोग आ गए थे डॉक्टर के पास सुबह, मतलब हम लोग निकले थे कम से कम 11:30 को ना, तो 11:30 से तो फिर कम से कम 1:15 हो गए थे जब हम घर पहुँचे और वहाँ का मैं आपको ज़रा भी दिखा पाया। हम पहले दीदी को कुछ काम था वहाँ पर बस स्टॉप में, कुछ सामान वगैरह भेजना था घर को बरोड को और क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास भैया और मैं, फिर दीदी वहाँ पर, फिर हम लोग वापस आ गए। फिर उस टाइम तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फिर डॉक्टर ने मतलब कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा गर्मी वगैरह हुई है, वो जो अभी मेरे को वैक्सीन लगी थी ना सैटरडे को, उसके बाद फिर मेरे पैर में भी लगी वो चोट, उसके जो पैर में चोट लगी थी उसके फिर पेन किलर वगैरह लगी, इंजेक्शन जो लगा था मुझे हॉस्पिटल में, फिर उसकी हैवी दवाइयाँ थी दूसरी, पेन किलर वगैरह बाकी, और अभी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था मैं दिन के ना, मतलब तबीयत ख़राब सी थी। फिर खाना वगैरह खाया, फिर सो गए, फिर सही रहा, अब थोड़ा ठीक है ना। बस अभी मम्मा और दीदी तो छत में गए, दीदी के कल पेपर है, भैया का भी कल बोर्ड का पेपर है मैथ्स का, तो भैया भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आज भी मैं स्कूल नहीं गया और कल भी डॉक्टर ने स्कूल जाने से मना किया, थोड़ा रेस्ट चाहिए, अगर मैं स्कूल गया फिर कहते एक्स्ट्रा ना हो जाए फिर, क्योंकि तो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ना, उन्होंने बोला अगर 1-2 days ना आई जाओ ज़्यादा सही है। तो फिर अभी तो मैं चलता हूँ छत में, तो फिर आपसे छत में जाके मिलते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा तूफान भी उधर हवा भी लगी थी, तो बारिश तो है नहीं है तभी, पर गाइस देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और हमारा वगैरह तो है नहीं, चल चलते सीढ़ियों से ऊपर। अब मेरे पैर में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला, मैं बड़े आराम से सीढ़ियाँ चल उतर सकता हूँ और मेरे पजामा और हुड भी मतलब जीपर पहनी है, रूटीन तो बंद है तो इसको तो खोलना पड़ेगा ना पहले, तो ऐसे आराम से खोलनी पड़ेगी। एक हाथ पर मेरा फ़ोन है ना, रुको क्या करूँ मैं, वैसे मेरे को ना फ़ोन यहाँ जैसे रखता, रुको फिर आपको दिखाता। फ़ोन तो मैंने यहाँ जैसे रख दिया सीढ़ी में, तो बस अब इसको ऐसे लाता ना यहाँ जैसे, इसको दोबारा फंसा देता, मैं थोड़ी देर ही जाना पर छत में। तो गाइस हो चुका हमारा काम, तो चलते हैं सीढ़ियों में ऊपर, देख सकते हैं यहाँ से एक और आज के ऊपर, इसको तो मैं जल्दी से क्रॉस कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। और एक और यहाँ पर मेंटेन रखा हुआ क्योंकि डॉगी वगैरह बहुत आते थे, तो जिमी है ना वो छत में आ जाती थी बार बार ही, और तो इसकी वजह से तो मैंने एक पैर इधर रखा और ऐसे इसके पार गया मैं और यहाँ से दूसरा पैर होता, अरे तो गैस लगी तो है नहीं पर आवाज़ आई और आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, दीदी ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं शायद ही दिखा पाऊँ, तो फिर आपसे
बाद में मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रूम्स वगैरह बनाए हैं अभी आंटी ने, पर यहाँ पर अभी पूरा उसको अच्छे से अंदर से पूरा वो करना है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर भी रेंट में रूम्स देने के लिए बनाए हुए हैं, तो ये फुल रेडी होंगे। और देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। अरे वो डॉगी जिमी इनके साथ क्या कर रही है, बड़े बड़े डॉगी के साथ देख सकते हैं जिमी इनके साथ, वो छोटी जैसी, बाकी वो बड़े डॉगी फ़ोन हैंग इसलिए मार रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे थोड़ी देर बॉल से खेलूँगा, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। फिर मैं थोड़ी देर में चल जाऊँगा नीचे, मैंने फ़ोन ऐसे पकड़ा यहाँ से छूटा तो ख़त्म। फिर बाय। तो गाइस मैं इधर थोड़ी देर बैठा ऐसे बॉल से खेला, अब मैं चल पड़ा क्योंकि हवा चल रही इधर काफ़ी ठंड लग रही है। फिर चलते हैं अब जल्दी, फिर अब दोबारा मेरे को खोलना पड़ेगा वो जो वहाँ था। फिर नीचे जाके थोड़ी देर ऐसे में बैठूँगा, फिर सोच रहा हूँ आग जलाऊँगा। कल जलाई थी मैंने आग ना, आग वैसे वो मैंने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा की थी साइड में आग जलाने को। मम्मा ने थोड़ा कूड़ा वगैरह जलाया था डस्टबिन का, ऐसे सूखा कागज़ वगैरह, फिर मैंने उसमें खड़ा, ठंड लग रही थी मेरे को काफ़ी, मैं लकड़ियाँ वगैरह लाया मैं सेकता रहा, फिर आग बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आज भी देखता हूँ जला पाता हूँ कि नहीं, तो आपको दिखाता हूँ मैं जा रहा हूँ। तो गए चलते हैं जल्दी, मैं सीढ़ियाँ जैसे चढ़ने और उतरने मैंने ज़्यादा वो कर रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि मैं ठीक होगी, पर मेरे को अभी भी आराम से उतरना चाहिए और चढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी जोर लग गया दोबारा तो फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए दोबारा। अभी थोड़ा ठीक हो रहा है तो इसको थोड़ा बहुत रेस्ट भी ज़रूरी है। और ऐसे ग्राउंड ग्राउंड भी फुटबॉल ऐसे मैं जाऊँगा भी तो ऐसे ही जस्ट, ज़्यादा वो नहीं कर कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसे हल्का फुल्का। अभी मुझे पता है कि कितना ज़्यादा अभी इसको टाइम लगेगा और ज़रूरत है पैर को रेस्ट की, तो ये भी खोल दिया हमने, इसको लगा देते हैं ऐसे। तो ऐसे भी लग चुका है, तो फिर चलते हैं अब यहाँ से। ऐसे मैं ना पुलअप निकालता हूँ पता है, अरे और ये जो हमारा की डॉल है इसकी टूट गई थी ना, इसका एक हाथ गायब हो गया था, फिर ये अब डरावनी लगती बहुत मुझे। तो एक तो मुझे पहले हम डॉल वगैरह की, वो दूसरी आने वाला डॉल वगैरह की भूतिया स्टोरीज वगैरह देखते रहते थे ना पहले फ़ोन में, अब मुझे डॉल से बड़ा डर लगता है। देख सकते हैं इसको देख के डर सा लगता है, देख सकते हैं तो देख सकते हैं जिमी वहाँ पर घूम रही है। तो यहाँ पर लगाए थे मैंने आग, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ जैसे मैं लकड़ियाँ वगैरह भी लाया था तो इधर जैसे लगाए थे, तो देखते बाद में क्या रहता है, से बाद में मिलूँगा मैं। ईशान क्या कर रहे हैं आप? किस लिए? अभी आपकी तबीयत कैसी है? कांटे इसमें आराम से करो, पहले आग जला लो फिर करो। मौसम भी चेंज हो रहा है ना, कभी बारिश हो रही है कभी गर्मी हो रही है, इसलिए कभी ठंड सर्दी और गर्मी हो रही है। मत डालो लकड़ियाँ, ऐसे हाथ गर्म करो बस हो गया। फिर वो डाल दे छोटे छोटे वो, इसको डालना भी
इसको नहीं तो वो डाल पतले पतले कचरा जो है ऐसे डाल दे भाई। ये नीचे से डालिए ऊपर को बस बस मत आंटी आंटी की मत मैं नहीं रखा किसी को डाल दिया ना तो कल भाई एक पेपर है नहीं ये जो नीचे का है ना सारा ये कागज जला दो ये ठीक है तो गाइस फिर मैं आप सबको शाम के टाइम पढ़ाई भी करूँगा तो आप सबको भी मिलते हैं बाय। तो गाइस देख सकते हैं आपको अरे ब्लर है ना रुको वो देख सकते हैं मैंने आग जला दी यहाँ थोड़ा बहुत और एक और लकड़ी थी ना मैंने इकट्ठा करके रखी थी एक तो ये है ना ये और एक ये गीली नहीं है ये सूखी है वैसे भी डाल दिया बाहर और बड़ी हो जाएगी आराम से मैं सीखता रहूँगा इसको भी डाल देना ये जो है जब मैं आग सेक रहा हूँ और भूख भी लग रही है फिर भैया ला रहे दलिया सुबह के टाइम दलिया बनाया तो ब्रेकफास्ट में फट तो नहीं जाएगा ये कैसी आवाज़ आ रही है तो गाइस अभी 8:30 हो गए हैं और क्या बोलते हैं अभी मैं अपना होमवर्क कर रहा था हिंदी का काम कर रहा था और बाकी भी सब्जेक्ट्स का करूँगा अभी और कल भी मैंने स्कूल जाना नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बंद हो गया और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है कल और परसों तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थोड़ा देख सकते भैया अभी दिख रहा होगा वहाँ पर काम कर रहा अपना मतलब मैथ्स का रिवाइज कर रहे हैं ओके कल भैया का पेपर है और क्या बोल रहा था मैं हाँ कल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी और ठंड वगैरह भी लग रही थी और आज थोड़ा ठीक है उससे कि दिन में दवाई भी खाई थी ना तो रात को भी खाऊंगा दवाई तो ये वाला व्लॉग मैं बाद में एंड करूंगा फिर तो बस मैं काम कर रहा हूँ यहाँ देख सकते हैं हिंदी का तो बस इसको ख़त्म करते हैं जल्दी फिर आपसे बाद में मिलते जब खाना खाएंगे हम लोग और खाने के लिए आज शायद पुलाव बनाया है तो खिचड़ी है अच्छा मूंग की खिचड़ी है मम्मा ने मूंग की खिचड़ी बनाई है गाइस क्योंकि वो थोड़ी लाइट होती है ना हल्की होती है जब बीमार होते हैं सुबह मम्मा वही बनाते हैं मूंग की खिचड़ी है ऐसे सिंपल से ज़्यादा हैवी नहीं बनाते हैं क्योंकि तबीयत वैसे ख़राब सी है और मेरा जुकाम थोड़ा बहुत फैल गया है मम्मा को भी थोड़ा थोड़ा नाक बंद सा लग रहा था तो ऐसे ही होता था हमको जब भी जुकाम वगैरह किसी एक को फिर सबको फैल जाता था तो अभी पीछे जैसे हुआ था एक महीने पहले फिर दोबारा कैसे हो गया ना ये गर्मी की वजह से ये वैक्सीन की वजह से और वो दूसरी वाली उसकी दवाई खाई उसकी वजह से गर्मी हो गई और अजीब सा हो गया था और जब मैं स्कूल भी जाता था ना तो वहाँ पर भी सब बीमार थोड़ा बहुत उसका भी हुआ उसकी वजह से हुआ ये सब तो ये ठीक तो हो ही जाएगा कल भी नहीं जाऊँगा मैं स्कूल कल भी रेस्ट करनी है और शौर्य ने भी फ़ोन किया था ना जब मैं सो रहा था मम्मा को आया था शाम के टाइम फ़ोन शौर्य बोल रहा था उसने फुटबॉल ली नहीं और क्या बोलते शौर्य ने बोला क्या बोलते ईशान को बोल देना कि ग्राउंड आ जाए करना मतलब ग्राउंड आ देना फिर जब जाना होगा उसको बुला देना तो फिर मम्मा ने बोला कि अभी तो ईशान की तबीयत ख़राब है और थोड़ा उसके पैर में भी है ना प्रॉब्लम तो गाइस अभी पैर की थोड़ी ठीक ही होगी ना अभी रही है पर इतने अभी नहीं है
तो अभी तबीयत ख़राब है शौर्य को, बोला फिर बोला कि जब जाना होगा तो बोल दिया करेंगे हम शौर्य को भी, फिर आपको मिलाऊंगा शौर्य से काफ़ी टाइम बाद जब वो ग्राउंड आएगा। शायद परसों जाऊँ मैं, कल भी नहीं जा पाऊँगा, कल भी शायद ही, परसों शायद, तो फिर देखते, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। अभी 10:15 हो गए और हम लोग वहाँ वॉक कर रहे थोड़ी देर बाद डिनर वगैरह करके, और मैंने अभी अभी जस्ट दवाई भी खा ली है, तो एक ही बार की दवाई से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया मुझे। गाइस बस अब हमने सोने जाना है, तो गाइस फिर आज के लिए इतना ही है, फिर देखते कल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय। और ये मेरे पीछे खांसी की दवाई पड़ी है और वो विटामिन सी की, तो बाय।